दोस्तों ये मेरे भाई मनीष जायसवाल गोरखपुर से है, ये उनका पपी है। तो आप देखिए कि इनके जो पपी है इनके माउथ पे ये रेड रेड कलर का स्किन इन्फेक्शन हो गया। ये होता इसलिए है क्योंकि जब बच्चा खाना खाता है तो उस टाइम ये भीग जाता है, और भीगने के कारण इसमें लाल लाल हो जाता है, जैसे कि ये स्किन बहुत सेंसिटिव होता है, इस कारण यहाँ पर बहुत जल्दी इन्फेक्शन पकड़ता है। तो मैं आगे इसी में बताऊंगा कि कैसे इसका क्योर है और कौन कौन सी इसमें हेलो दवाई दोस्तों, मैं हूं लगेंगी। आपका दोस्त एंड होस्ट देवाशीष गिरे और आपके अपने चैनल डीजे ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जब हम नया पपी लाते हैं 45 से लेकर 50 दिन का, तो जब वो खाता है तो उसका ये जो माउथ दिख रहे होंगे आप, ये पूरा भीग जाता है। तो जब बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने अपने पग को खाना देने के बाद ये पोछते हैं, तो पोछने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे रगड़ आ जाता है। जैसे कि जब हम लोग अब मान के चलिए कि हम इसको रगड़ रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत बदमाश है, ये मेरी बहुत बदमाश है। अच्छा ठीक है बाबू, ठीक है कूल, रिलैक्स हो गई है। तो इसका जो ये देख रहे हैं आप, इस एरिया में पूरा इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो मैं आज आपको यही बताने जा रहा हूँ कि अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका क्योर कैसे है और उसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे और क्या करें किसका नहीं ये आगे ना हो। तो दोस्तों जब भी आप अपने डॉग को खाना दें तो हल्का सा कपड़ा, सॉफ्ट कपड़ा से इनका मुंह पोछे, ज्यादा रगड़े नहीं, क्योंकि रगड़ने से ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, यहाँ पर बहुत जल्दी इन्फेक्शन पकड़ता है। और इनका जो पंची फेस होने के कारण इनके जो ये यहाँ पे नाक के पास रहते हैं वो बहुत जल्दी क्या कहते हैं उसको, बहुत जल्दी वहाँ पे गंदगी जमा रहती है, तो वो भी आप एक बार बार पोछ दीजिए। देखिए मेरी एक और आ गई है फीमेल, आ जाइए मिस्ट्री, ये मेरी नई फीमेल है, इसका नाम मिस्ट्री है और ये बहुत मेरे को बहुत प्यार करती है। अरे बाप रे बाप, बहुत भारी है यार ये। और ये मेरी सेल्फी की बेटी है, इसका नाम सृष्टि है। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आगे वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे करना है और क्या नाम है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको दवा बता देता हूँ, दवा इसमें आपके दो दवा यूज होगा, ठीक है। एक पहला है जो बीटाडीन करके आता है, ठीक है, जाओ बाहर जाओ, तुमसे बात नहीं कर रहा मैं। एक दवा आता है बीटाडीन करके, आप वो ले सकते हो। और एक स्किन इन्फेक्शन का ऑइंटमेंट आता है, क्रीम कहते हैं, किन स्किन करके आता है, मैं वो सारा नाम डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा। और एक अगर किन स्किन आपको नहीं मिले तो क्लोविट जीएम करके एक आता है क्रीम, आप वो ले सकते हो। तो अब इसका कैसे यूज है मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप जैसे यूज किया हुआ वैसे यूज करिए, 100% रिजल्ट देता है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका दोस्तों। तो आप मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और दोस्तों मेरे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट करें दोस्तों। मैं इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, तब तक के लिए दोस्तों बीटाडीन को आप रुई में लगा लीजिए, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इनके फेस पे, धीरे धीरे उसको रब करेगा, ये चाटे नहीं, चाटे तो खराब हो जाएगा, ठीक है। आप इस पर सिर्फ उनके जहाँ पे जो एरिया है जहाँ पे लाल कलर का रिंकल्स के नीचे, और जो एरिया है जहाँ पे लाल लाल कलर का हो गया रैसेस, उस पर आप लगाइए, ठीक है, दम हल्के हाथों से लगाइएगा। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ जम्स वगैरह होंगे तो वो वहाँ पर से क्लीन हो जाएंगे। सॉफ्ट कॉटन लीजिएगा, नया कॉटन लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और नया कॉटन से आप इसको कॉटन में बीटाडीन लगा लीजिए, बीटाडीन लोशन करके आता है, ये देखिए ये बीटाडीन लोशन है, आपको ये केमिस्ट के दुकान पे या मेडिसिन के दुकान पे मिल जाएगा। आप इसको कॉटन पे लगाइए हल्का सा, बता रहा कैसे लगाना है, देखिए मैंने ये कॉटन में लगा लिया। अब देखिएगा ये जो मेरी छोटी सी है लीशा, इसका लीशा नाम है, और ये मनीष भाई की पपी है, तो उन्हीं का पपी का इन्फेक्शन हो गया था, तो मैंने यही दवा सजेस्ट किया था, और वो मेरे सब्सक्राइबर भी और मेरे छोटे भाई भी हैं, तो मैंने इसे लगाने के लिए बोला। देखिए ये कैसे लगा रहे हैं, इसी तरह से ठीक से एकदम हल्का सा ऊपर से लगाना है, ठीक है। ये आपको ह्यूमन मेडिसिन की दुकान पर मिल जाएगा, बस ये करिए कि चाटे नहीं, क्योंकि चाटने में दवा है दोस्तों, और ये ह्यूमन का दवा थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होता है डॉग्स के मार्फत। तो इसके जहाँ पे रैसेस है, जहाँ पे रेड हो गया, वहाँ पे ये दवा लगा रहे हैं। अगर आप खुद से नहीं लगा सकते हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर में से किसी को कह सकते हैं पकड़ने के लिए, वो पकड़ लेंगे, तो आप आराम से लगा सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा भार नहीं है। ये तो खाने ही लगी इसको, लग रहा है कि मनीष भाई इसको खाना नहीं देते।
ऐसे जब डॉग बड़ा हो जाता है तो वो अपने घाव को ज़्यादातर चाट करके भी सही कर लेता है, लेकिन ये बहुत छोटा है तो इसमें अभी वो पावर नहीं है कि अपने घाव को खुद चाट के सही कर ले। तो हम लोग इसको ये दवा दे रहे हैं, ये बीटाडीन से साफ़ कर लिया है। अब दोस्तों इसमें हम वो वाइटमेंट जो मैं आपको बताया हूँ, क्लाविट GM करके आता है वो, या आप किन स्किन लगा सकते हैं, दोनों में से जो आपको मिल जाए वो आप लगा सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है दोस्तों। दोस्तों यही है क्लोविट GM करके दवा है, ऑइंटमेंट है, तो आप इसको कॉटन पे रखिएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, दिन में 2 या 3 बार आप लगा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन 2 बार भी लगाना बहुत अच्छा होता है दोस्तों। सुबह के टाइम लगा दीजिए, खाना खिलाने के बाद, जब भी लगाइए दोस्तों, तो ये दवा खाना खिलाने के बाद ही लगाइए, क्योंकि खाना खिलाने से पहले लगाइए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि खाना खाने के बाद पपी आराम करना चाहते हैं, हम लोग भी जैसे खाना खा के आराम करना चाहते हैं उसी तरह पपी भी खाना खा के आराम करना चाहते हैं। तो आप पहले इनको खाना फीड कर दीजिए, फिर उसके बाद ये ऑइंटमेंट है, तो आप इसको 2 तरह से लगा सकते हैं। एक तो आप कॉटन से लगा सकते हैं, डायरेक्ट कॉटन पे वो रखिए दवा, और कॉटन के बाद उनके फेस पे लगा दीजिए, या फिर दूसरा जो ये सैसे है इसी से आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, और तीसरा है दोस्तों आप इसे अपने फिंगर से लगा सकते हैं। हाँ, फिंगर से लगाने के लिए आप अपने हाथों को बहुत अच्छे से धो लें, ताकि एक इन्फेक्शन बचाने के कारण दूसरा इन्फेक्शन ना लगे। तो आप ये क्लोविट GM कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी दवा है दोस्तों। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं करता, मैं वही दवा सजेस्ट करता हूँ जो मेरे बच्चे को या फिर आपके अपने पपी को सही करता है, जो आपके अपने पपी को ठीक करे जल्दी से जल्दी, मैं वही दवा सजेस्ट करता हूँ, मैं किसी कंपनी का नहीं हूँ। तो आपको बस ये बताना चाह रहा था कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो इसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पग का जो फेस होता है ना, वो पंच फेस होता है, वहाँ पर नोज और माउथ के पास रिंकल्स होता है, जिस कारण वहाँ पर बहुत जल्दी गंदगी जमा हो जाता है, जिस कारण इन्फेक्शन पकड़ता है, पानी लगता है, तो पानी के कारण भी प्रॉब्लम होता है दोस्तों। तो ये क्लोविट GM है दवा, तो ये आप इसको हल्के हाथों से लगाइए, ज़्यादा ये करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप थोड़ा थोड़ा करके भी 2 और 3 बार लगाइएगा ना तो बेटर होगा। जैसे कि देखिए अभी ये बहुत हिल रही थी, तो मनीष भाई किसी को बोले पकड़ने के लिए, फिर उसके बाद ये वो दवा को बार बार चाट रही है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसीलिए खाना खाने के तुरंत बाद नहीं, आधा घंटा बाद आप ये दवा लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है दोस्तों, और आपको, आप में से जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है डॉग से रिलेटेड तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा